बस आज सुबह सुबह जापानी बच्चों ने यहाँ हमला कर दिया, कहने लगे मिस्टर जावेद जाफरी इंडियन कहावत है बच्चे बाप से बढ़ के, हम इस कहावत को सच करके दिखाएंगे वरना इस शो के बैन बच जाएंगे। तो भैया मुझे उनकी मांग माननी पड़ी, इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे जूनियर स्पेशल। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मशरूम घुमाएगा जरूर, मगर बच्चों को। अब फिर गार्डन्स के गार्ड्स किक मारेंगे, मगर जूनियर्स को स्लिपरी वॉल पर कीचड़ लगाएंगे जरूर, मगर जूनियर्स को स्किपिंग स्टोन्स में डूबना तो है, मगर जूनियर्स को हर दिल में जगह की हासिल, यही है वो ताकेशी कासल। अपने अपने डायपर्स को ग्लू से चिपका के आए हो ना, बताओ। स्किपिंग स्टोन्स में गोते लगाओ, ड्रैगन लेक पर कीचड़ खाओ, नॉक नॉक में फोड़ो द्वार, परशुराम का दरिया कर लो पार। तो बिना किए कोई देर सौ कच्चे पक्के बेदौड़ पड़े स्लिपरी वॉल की तरफ, दौड़ कर दीवार पर चढ़िए, रस्सी पकड़कर ऊपर आइए और पार उतर जाइए इस तरह। बोलने में वेरी इजी बट करने में वेरी डिफिकल्ट। शूज में पतल कीचड़ लगना, टेढ़ा दीवार वो भी गंजे सर के ज्यादा चिकना, कैसे चढ़ने का सर? बच्चों को खेल नहीं जी, मगर बच्चे खेल खेल रहे हैं, फिसल रहे हैं, मगर हिम्मत नहीं हार रहे हैं। बोले तो हिम्मत की तो कीमत है। और ये चढ़ गया ऊपर, और आखिरकार मेहनत रंग लाई, और ये मदद की जा रही है। आए हाय हाय, आहा मजे ले रहा है। जूनियर ज्यादा ही जूनियर है, और ये दम लगा के ये लुढ़का। अरे छुटकी पारो, और ये क्या जादू का भाई पादू, ये कहा जा रहा है? बच्चों के साथ बच्चा बन गया, और लंबी दौड़ मारते हुए ये ऊपर गए और फिर नीचे। जनरल बच्चों की मदद कर रहे हैं। अरे कॉस्ट्यूम कहाँ गया, उतार दिया? पहली बार टी शर्ट में जनरल, ओहो बगले दिखा रहा हुआ। ओए ये क्या अभी यार, और ये जनरल खुद का पिचका करवा रहा है, और ये चढ़िया ऊपर, और ये पादू ने बेड़ा पार लगा दिया इनका। ओ फिसल के हो गया पार मेरा यार, और अगली दीवार स्लिप टेस्ट शूट करो। क्या आज तो रंगीन धुएं वाला स्मोक बम छोड़ा जा रहा है, क्या बजट बढ़ गया है? खिलाड़ी को इस दीवार पर चढ़ना है लेकिन अपनी रिंग्स को बचा कर, और शाही गार्ड्स का काम है रिंग्स को पिचकारी से फोड़ना। क्या खूबसूरत शॉट, ये लाल सवाले मकोड़े लग रहा है कि दीवार पर चढ़ रहे हैं। लो भैया इसकी तो गई, इसकी भी गई। ये देखिए खिड़कियों में से, और ये पादू सिग्नल करते हुए, और जनरली बच्चों को गार्ड करते हुए पीछे शेर बना हुआ। क्या बात, मुंबई में आएंगे तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पादू के ऊपर खूब, और ये फटी वेरिंग वाले सब नीचे, किस्मत की फट गई। और ये स्क्वायर मेज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन आ रहा है। वो पहला जूनियर आगे गया, कोई सीरियस लगता हुआ, और ये आगे सीधा रंगीले की बाहों में आने से, लेकिन रंगीला भी बच्चों के लिए स्लो चल रहा है। ये लगता है सुबह कुछ खाना ज्यादा खा लिया, लेकिन ढूंढ रहा है। और ये बच्चा चूहे बिल्ली का खेल, रंगीले ने फिर, अरे यार क्या फंस गया पीछे, अब नहीं छोड़ रहे यार। और ये फाइनली दबोच लिया बच्चे को, अब नहीं छोड़ूंगा बच्चू, बहुत छोड़ दिया तुझे, चांस दे दिया, आया आया पकड़ में, ये ले बच्चे, अब तो तेरी माँ भी तुझे नहीं पहचानेगी। ये रो रहा है, हंस रहा है, समझ नहीं जा रहा है। और ये लिटिल मिस चुलबुली, और ये चुलबुली अंदर गई, और ये चीखना शुरू रंगीले, और गलत दरवाजा, और चुलबुली बन गई बुलबुली। बाय बाय, एक और पहले से गीली है क्या ये? ओहो मिस्टर पादू, ये छाती पे उन्होंने क्या लगाया हुआ है? इमरजेंसी के लिए पानी का पाइप। और ये बच्ची को गाइड करते हुए पादू साहब ने यार छोड़ दिया टाटा बोल के, लेकिन घाटा होने वाला है। ओ वही चीख, और वही दरवाजा, और वही गड्ढा, और ये क्या बात है, हंस भी रही है। स्पोर्ट्स मैनशिप, स्पोर्ट्स वुमनशिप।
और ये एक और कॉन्फिडेंट लिटिल गुड़िया और गुड़िया हो कैसे लग रहा है कि है एक्सपीरियंस बुढ़िया। और ये गंजे शामू ने मारा और दूसरा दरवाजा पकड़ के भागी। काफी एक्सपीरियंस लगती है ये बच्ची। अच्छा खेलते हुए रामू शामू दूसरों का रूप मुंह काला करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज इनका मुंह काला होने वाला है। ये लड़की अच्छा भागी, दरवाजा वापस पलटा उनकी तरफ और ये बाहर। चिल्लू पर कीचड़ में डूब मरो। और ये कौन आया? ओहो बंटी। अरे बेटा पीछे की नहीं आगे की सोच। बंटी अंदर आया, चपड़ गुंजू की आवाज सुनकर पलटा। रंगीले ने चिल्ला के बजाय घंटी और तालाब में घुस गया बंटी। हंस रहा है? मैं बार आप फिर दिखाता हूँ। ये पीछे टी शर्ट में जापानी में लिखा है मिस चालबाज। देखते हैं कि कैसी चाल है। और सीधे रंगीले के हाथों में। अरे जोर से पकड़ लिया बच्ची को। अभी हंस क्या रहा है मुंह खोल खोल के? रुस्तम में जापान को नहीं पकड़ा, बच्ची को पकड़ा है। मम्मी इसकी गाड़ी की आवाज निकाल देना। इस जूनियर को ये मशरूम पकड़कर पांडे जी का तालाब पार करना है। 70 जूनियर बचे हैं। अच्छा जा रहा है, मशरूम की स्पीड बढ़ी। और क्या ये लटक पाएंगे? नहीं, गए पांडे जी की गोबरी शरबत पीने। बेटा लटको लटको, लटकोगे नहीं तो भटकोगे कैसे? तुझुर्बा होगा। काफी मुश्किल खेल है ये बच्चों के लिए। और ये अरे बहुत ज्यादा ही तेज घूम रहा है। अरे तो कि जज्बाती होकर घुमा रहे हैं लोग, जो भी घुमा रहे हो मशीन। और ये कौन है? बच्ची है, बच्चा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी ये लटक गया, लटक गई। और मशरूम शुरू से इतनी तेजी से, और बच्चा लटका हुआ है, और ये अंदर सीधा पानी में। अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट है यार, ऐसा मत करो यार, क्या कर रहे तुम लोग? ये भी लगता है गिरने वाले। आंख बंद कर ली इसने पहले से। और अरे यार ऐसा दिखता है ये सीधा। अब तुम्हारा क्या होगा बछुआ? मशरूम घुमाया और बछुआ नीचे आया। लो हेलमेट भी साथ नहीं दिया सकते। ये काफी कस के पकड़ा है अगले जूनियर ने। क्या ये पकड़ इन्हें पार पहुंचाएगी? नहीं भैया, खिचड़िया स्नान कराई। रस्सी अर्थात अगली प्रतियोगी लड़की है। रस्सी काफी ऊपर है, पकड़ ढीली नहीं हुई तो ये पार हो सकती है। वेरी गुड, गोइ गर्ल, कीप गोइंग कीप गोइंग। और ये रस्सी बैरल चेक की तरह पकड़ रखी है। जीतेगी लड़की, जीतेगी। और देखा, पंडित जावेद प्रसाद पालमपुरी की भविष्यवाणी सही सिद्ध हो गई। इस खुशी में ये रात की रिप्ले देखिए। कौन तेजी से घूमा, मशरूम या ये जूनियर? और भैया इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किसकी नैया डूबी और किसकी किस्मत फूटी, लेकिन एक टाइम पीस के बाद। बम 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 बम। और लौट के आ गए हम। जनरल ने सीटी मारी और पहले है इनकी बारी। देखिए दो कदम चले और गुड़ मगर पत्थर पर अटक गए। फिर से ऊपर आए। अबे चढ़ जा मुन्ना। अरे वेरी गुड, जियो मेरे लाइटो। और आगे बढ़े। ये भैया इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। रिटर्न टिकट है ना? मैं कहा हूँ भाई। माँ ओहो कन्याकुमारी। और इनकी बारी। और निकल गई हवा सारी। ये हो, ये लाल बादशाह लगते हैं कुछ घबराए, लड़खड़ाए, डगमगाए और फिर नहाने चले आए। ओहो बेबी सूरजमुखी, एक कदम रखा और दूसरे में दुखी। और ये जनरल और पादू से प्राप्त करके गुप्त ज्ञान चल पड़ा है जूनियर्स की शान। ओहो दिया आपने नी पैड्स पर ध्यान। और आगे बढ़े, चड्डी ऊपर चढ़ाई, नी पैड ऊपर चढ़ाए। देखते हैं कि किस्मत उनकी ऊपर चढ़ाती है या गिराती है। और ये पहला कदम, दूसरा कदम। और भैया ये किस्मत। अब आ रही है बिल्लो रानी, डाइटिंग कर रही है। सिर्फ 6 अंडे, 12 स्लाइस, 1 लीटर दूध और 1.5 किलो फ्रूट का नाश्ता करके आई है। चली बिल्लो रानी। और 1, 2, 3 और घुटने की बज गई 20। भैया जाके और नाश्ता करके जा। क्या बनी? ओहो बाबा BMX और लंबी दौड़ का घोड़ा लग रहा है। अरे यार घोड़ा नहीं, इसमें तो कुछ घोड़ा।
अयो बहुत छोटा बच्चा भाई, जंप कैसे मरेगा? जनरल हेल्प करता है छोटू को, बताया कैसे खेलने का। छोटू समझ रहा है कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आता है। जनरल आगे बढ़ा और छोटू फॉल किया। जनरल अरे खुद घोड़ा बन के अंदर घुस गया। टिक टिक चल मेरे घोड़ा। और छोटू स्टोन, जनरल स्टोन बन गया और छोटू जनरल का घोड़ा को बनाकर पीठ के ऊपर बैठा। चल मेरे घोड़ा टिक टिक। और जनरल आगे गया, अंडरवेयर के अंदर किच किच होता है इधर। जनरल को बहुत गड़बड़ लग रही था। और चल मेरे घोड़ा टिक टिक करके ये दूसरा पार कर लिया घोड़ा। चोट को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज। और जनरल का उड़ के फ्यूज। लास्ट बचा यंग सर, जंप मार के चोट पार। आप रखे पेड़ मुझे बना रहे नान जी मुझे आप जय जय रापचिक रिप्ले। और आपको किसने जनरल बुलाया अंकल? अगले राउंड ड्रैगन लीग। इस गेम में रस्सी पकड़कर स्विंग लीजिए, मगर ऐसा मत कीजिए। मैं कहा आ गया? ये क्या है? व्हाट इज दिस कॉमेडी का पीस? और बेबी आई और बेबी गई। बेबी का फिर बिल कौन भरेगा तेरी अम्मा? क्या नीलू पीलू पार हो पाएगा? और ये, अरे पार, क्या बात है! और ये लाल पीली जा रही है पार पर। डूब गई नैया बीच में धार। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी धो लेंगे। डोंट वरी। ओहो रेड व्हाइट एंड ब्लू, ये लिया झूला। और अरे अरे, अरे। जो मजा लेटने में है वो लैंडिंग में। सही है ना? ओहो ये क्या है? कोलगेट का छोटा पैकेट। अबे यार बड़ी पसनी आ गई, पेट पे तो पचका हो गया। क्या निकल गई क्या? नहीं निकलने वाली है, भागो। अगला जूनियर चला, घुटना घिसा और सीधा लम लेट। पांडे जी के कीचड़। अरे बाप रे, इधर पहले आप मारा नहीं यार। दिन में तारे दिख गए इसको, तारे जमीन पर, तारे कीचड़ में। और जय जय आपकी रिप्ले में देखते हैं ये कब्ज से राहत पाने का जापानी तरीका और जुलाब से राहत पाने का तरीका देखते हैं आप हिल गार्डन में। मैं जय का खंडे, यहाँ भी खोली पाठशाला। अब बच्चे ने ध्यान से देखा, अबे नहीं मेरा टीचर नहीं है। तेजी से आगे बढ़ा और कर दिया वार। मैं कहा हो गया पहलवान, कहाँ कोई दूसरी की तरफ आ रहे हो? ये पिचकारियां तो छोटी आएंगी, ये भी टीचर लुढ़ गया खुद स्कर्ट पहन के। अबे कहाँ भटक रहा है पहलवान, आगे को चढ़ना। ले भैया पिचकारी तो फट गई इसकी। BMX जियो मेरे लाल, चूसली क्या बोल लिया? अरे ईगे बीगे, अरे फुटबॉल हाथियों का आएगा कि इंसानों का है? लात मार के खुद ही टपक लिया। अरे मारा डोना, अरे मारा धोना। और ये बच्चा आया पिचकारी मारी इसकी तरफ और ये फुटबॉल, अरे ले मार के फिर गिर गया। गिर के नीचे निकल लिया। फुटबॉल बजाता हुआ बच्चे से अरे बच्चे बॉल फेंके, क्या कर ले? बच्चे ने हटा दिया एक हाथ से, ये तो निकल दिया नीचे और बच्चा निकल दिया ऊपर। हैं क्या हुआ? अरे खेल का मकसद क्या आएगा पहलवान? बच्चे का रिंग फोड़ना है कि बॉल पकड़ना है? कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये भैया ऊपर लेके अब क्या करेगा तू? तो बच्चा नीचे घूमा, बच्चे को पता नहीं गेम के रूल क्या है। कैमरा मैन बीच में आ गया। हेलो भैया कुछ खराब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पहलवान एक काम करो, दोनों बैठ के समोसे खाते हैं। चलो और ये कौन है भाई? विक्रम और वेताल। अरे बाप रे वेताल, एक आंख वाला वेताल, पूरी दुनिया को एक आंख से देखता है। और ये घुटने पे लग गई। एक बच्चा और गार्ड दो, बहुत बेइंसाफी है ये ठाकुर। और विक्रम को छोड़ बेताल भागा और दोनों अलग अलग होकर पत्थर मार रहे बच्चे को। अबे यार हद होती है। और ये दोनों अलग 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 हमला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। और नंगा भाग रहा पीछे लग रहा है था। देखिए दोनों अलग आ गए, दोनों बच्चे का रिंग फोड़ दिया। दो एक बच्चे से अलग एक एक करके आते तो देखता ना चीटर कॉक कहीं के। और अब चूसली ने भेजा है ये डायनासोर और मुकाबला है रेक से। हमला शुरू हुआ और ये डायनासोर आगे बढ़ा और विवेक भी आगे बढ़ा।
और ये विवेक ने मारी पिचकारी और डायनासोर लुढ़क गया। विवेक ने मौके का फायदा उठाया मगर डायनासोर दौड़ा चला आया, अरे फिर लुढ़क गया और पीछे चेस वन मोर लुड़किंग और अब ये तो लंबी लुड़किंग एंड कुकड़ कोटी टाटा बाय बाय। और ये बच्चा आया अब क्या इनकी पिचकारी फोड़ेगा? विवेक विवेक नहीं है यार, ये तो देख चुका है, दूसरी आ गई कटिंग और ये चूसली खुद डायरेक्ट आ गया। ओहो इतना कमजोर से ये चूसली मेरे लड़कों से भी नहीं लग रहा, लड़कियों से लड़ने आ गया है। और ये जंग छिड़ी हुई है, दोनों पिचकारियां एक दूसरे की ड्रिंक्स की तरफ मार रहे हैं। बच्ची भी सावधानी से खेल रही है और ये अरे गोल गोल रानी खेल रहे हो क्या तुम लोग है? और ये गोल गोल रानी फट गया, पड़ गया, अबे निकल यहाँ से, भाग गया हेड। अबे आपकी मकत शरीफ पे लात शरीफ पड़नी चाहिए जोर की, जाओ। और ये चूसली निकल लिए अपने बिल की तरफ, वहां बैठ के अपने जख्मों को चाटना। और जैसे आप चीख रिप्ले में देखते हैं जुरासिक पार्क का डायनासोर, ये डायनासोर नहीं डायनासोरी है, आई एम सॉरी टू सी दिस। अब 22 बच्चे सर फोड़वाएंगे, कंधे फोड़वाएंगे नॉक नॉक में। बोले वाह, बिना कुछ फोड़वाए पहला दरवाजा पार और दूसरे पर पूरी एक कंधा लिया होता। ये कौन आंटी है? आई थी उनकी बज गई घंटी। और ये दौड़ के चला छोटू उस्ताद दरवाजे पर, फिर रुक गया, फैसला चेंज। अरे बस छोटू उस्ताद तुम तो मारे ही निकले, दूसरा दरवाजा भी फाड़ा। अरे आज यहाँ रावण नहीं है। तीसरा दरवाजा भी पार, सिर्फ एक बचा है यार पर, अरे रे रे वही धोखा दे गया। नेक्स्ट जूनियर दौड़ा और फिल्मी हीरो की तरह दरवाजा फाड़ दिया और दूसरे दरवाजे की तरफ, लेकिन ये दरवाजा तो विलन निकला। लात क्या मार रहा है? सॉरी बेटा निकल जाऊंगा। एक और छोटू महाराज, हाय हाय हाय, ओ ले 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 ले, गलत दरवाजा था। अबे छोटू, वाह अबे ये तो सही दरवाजा निकला। छुटके महाराज दौड़ा मगर इस दरवाजे में बात नहीं बनी। वंस मोर, अरे वाह क्या बात है, दूसरा दरवाजा भी पार, तीसरे पर हमला ये भी पार। छुटकू इज्जत का सवाल है, अरे क्या बात, एक्सीलेंट, खुद तो गया, कैमरामैन को भी घसीट लिया। और रब चिकरी में देखते हैं, हो गई मात तो मार दी लात, अब हम कूदते हैं फाइनल फॉल में। जी हाँ, कूदना ही तो है इस गेम में, इन पांच में से किसी एक गड्ढे में, और ई बछुआ जीत गया। अगला बोटा रावण पाशा से बच के निकला, भाई अब किधर को जाते हैं? पिटाई घर में बा, ये ईस्टमैन कलर रावण काकू खड़ा रहता है भाई, मेरे को मालूम नहीं। खिलाड़ी निकल गया, अब शुरू हुआ कंफ्यूजन, जाए तो जाए कहाँ भाई, फैसला किया और क्या फैसला किया भाई, बिल्कुल सही फैसला किया मियां। और ये रावण को अगले प्रतियोगी का इंतजार, और ये तो चिंटू है, रावण मुंह ही देखता रह गया और चिंटू सपाटे से निकल गया। देखना ये चिंटू किस गड्ढे में कूदता है, पिटाई वाला नर्क या अगले राउंड वाला स्वर्ग। और जीत गया चिंटू, अगला जूनियर भी रंग बिरंगे रावण से बचकर निकल गया, पहले गड्ढे पर रुका। कीरे खुगा की सोची, ताला ताली जाम करो। जूनियर कुछ कंफ्यूज है, पिटाई घर के पास आया मगर उसके सिक्स सेंस ने रोक दिया और जूनियर स्वर्ग वाले गड्ढे पर पहुंचा और अब भी कंफ्यूज है। अरे चल बच्चू लगा ले जंप, क्या कर रहा है यार, इतना मत सोचा कर, अभी क्या सूंघ रहा है क्या, लोटा लेके बैठा अभी क्या कर रहा है? अरे भाई अबे निकल ले भाई, आधे घंटे का शो है सिर्फ हमारा। अबे क्या कर रहा है, मार दी जंप और निकल लिया आगे। बहुत ही ज्यादा सोच विचार वाला सब। हेलो भैया, यमराज के चेलों ने ठिकाना बदल लिया, ये देखिए बोले सब लोग उसी में जा रहे हैं और एक जूनियर की मम्मी मौज कर रही है। अगला जूनियर काफी दिनों बाद दमपटिमा सुनने को मिला, डबली खा के आगे गए और सीधे नर्क में घुस गए। यमराज के चेलों की चाल सफल रही, ये अगला जूनियर आया और फिर पहुंच गया नर्क। ओहो ओहो, आओ कटोरी लाल, रावण को झांसा देकर आगे बढ़े और देखते हैं कि इनका क्या हश्र होता है। फिर वही गड्ढे की तरफ आए और अरे गए, सॉरी। और नेक्स्ट जूनियर नहीं, रावण को मुंह लगाए बिना आगे बढ़ी
अब ये करेंगी फैसला अगले राउंड का टिकट पाती हैं या अपनी धुलाई कराती हैं। जल तू जलाल तू आई वाला को टाल तू जल तू बलाल तू साहिब कमाल तू आई वाला को टाल तू मेरी जंप सही होगी या नहीं और मारी जंप और अगले राउंड में गई और अब जूनियर्स का सीनियर से बढ़कर फ्लैशबैक। ये धुएं की चादर फाड़ी बेताल को पछाड़ा ये खुद डूबे और जनरल को भी डुबाया मगर मुझसे किए हुए वादे को निभाया और ये साबित करके दिखाया कि बच्चे बाप से बढ़कर होते हैं। वाह चंद्रविभूषण पांडे जी की जय। यदि खुद तो फिटे मगर शाही गार्ड्स को भी नाकों चने चबवा दिए तो दोस्तों जीतने वाले जूनियर्स अब प्रवेश कर रहे हैं फाइनल शोडाउन में। जूनियर स्पेशल में ये रिकॉर्ड बना हुआ है कि 15 विजेता फाइनल तक पहुंच गए हैं। जनरल के ऐलान जंग के साथ मुकाबला शुरू। कमांडर के टैंक ने आगे बढ़ते हुए हमला शुरू किया। लंबी बैरल वाली वाटर गन से निकालती लंबी धाराएं दुश्मनों के रिंग्स को फाड़ने के लिए भाग रही हैं। खिलाड़ी बच रहे हैं मगर शाही गार्ड्स कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं और ये पहला रिंग फूटा। बच्चे गार्ड्स को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। लंबा शॉट क्या दिखा रहे भाई आगे बढ़ना और ये तेजी से आगे बढ़ते हुए कमांडर के टैंक से हुआ वार और इस टैंक का रिंग बेकार। ये एक और रिंग गया आगे बढ़ते पीले टैंक पर धार का वार और क्या होने वाला है अंजाम। और ये भी साफ और एक टैंक घिरकर कोने में गया और ये एक्सीडेंट के साथ रिंग भी गंवा बैठे और ये आतिशबाजी शुरू। 61 पटाखे आज तो सारे ही पटाखे हैं। बच्चों को हरा के कितना खुश हो रहे हैं शाही गार्ड्स। और अब तो आप लोग मान गए होंगे ना कि बच्चे बाप से बढ़के और आप अगर ये नॉनसेंस नहीं देखेंगे तो हम हो जाएंगे कड़के। इसी ख्याल पे सायोनारा।